बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान इजाज। आज के लेक्चर में हम यूएसबी में आए हुए वायरस को डील करेंगे। एक किस्म का आजकल वायरस चल रहा है जो कि आपके डाटा को हाइड कर देता है और उसके बदले में शॉर्टकट्स बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने यूएसबी अटैच किए, ये देखें इसके अंदर कुछ डाटा है जिसे इसने हाइड कर दिया और उसके बदले में शॉर्टकट बना दिया है। अगर हम सिंपल फॉर्मेट करेंगे वायरस तो खत्म हो जाएगा लेकिन हमारा डाटा जाया चल जाएगा। इसके लिए हम एक कमांड का सहारा लेंगे क्योंकि ये वायरस जो है इसके एट्रीब्यूट्स के साथ एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मुतलका ड्राइव में जाएंगे जो कि वायरस इन्फेक्टेड है। अब इसके एट्रीब्यूट्स को हम नॉर्मल करेंगे। एट्रीब्यूट्स को नॉर्मल करने के लिए कमांड क्या है, attrib स्पेस माइनस एस माइनस एच, जिसे आप डैश भी कहते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश एस फॉरवर्ड स्लैश डी स्टैरिक डॉट स्टैरिक। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इंटर कर देंगे हम। अब दोबारा जाते हैं, ये देखें डाटा आपके सामने ये आ चुका है। और एक और चीज ध्यान में रखा करें कि ये जो आपकी फाइल नेम एंड एक्सटेंशन है, कुछ विंडोज में जो ओल्ड विंडोज है उसमें राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक सेटिंग होती है फोल्डर ऑप्शन की, वहां से जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे चेक करके रखें ताकि आपको पता चले किसी फोल्डर के साथ एग्जी तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो भी वायरस होता है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सारे जो भी इसमें डाटा था सब कुछ आ गया। वापस यहां से कॉपी करके और इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।